आपके सामने जो मैं पेश करूंगा वो है बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा, सुरक्षा कवच। हर किसी को सुरक्षा कवच चाहिए होता है, और सरकारी कर्मचारियों को जो ये सुरक्षा कवच मिलता है वो मिलता है पेंशन के रूप में, बल्कि मैं कहूं मिलता था पेंशन के रूप में। लेकिन अब इस सुरक्षा कवच को लेकर एक असमंजस बना हुआ है सालों से, वो पृष्ठभूमि भी आपके सामने रखने वाला हूं, पर चर्चा क्यों। और इसके साथ ही वो जो बड़ी खबर जिसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं कि इस बैठक में आखिर कौन से विशेष मसौदे पर मुहर लगी, वो साफ हो सकती है अब से थोड़ी देर के अंदर। ये जिस पर अब कैबिनेट की मुहर लगी है इस मीटिंग के अंदर, ये कैबिनेट की बैठक जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था कि इसका एजेंडा क्या है, किन खास विषयों पर आज चर्चा होनी थी, लेकिन आज सुबह प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णयों वाला छोटा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सत्र होगा। ईपीएफओ के सब्सक्राइबर का इंतजार हुआ खत्म, ब्याज हुआ आपका अपडेट। आपकी ब्याज में अपडेट को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, जो ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है उन सभी को इसका बहुत अच्छा यानी कि लाभ मिलने वाला है। अगर आप एक ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है तो आपके ईपीएफ के ब्याज को लेकर बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है उनमें, यानी कि अपडेट किया गया है। अगर आप भी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है तो वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। ईपीएस पेंशन धारकों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कैबिनेट की बैठक से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। कैबिनेट की बैठक के अंदर आपकी तीन नई घोषणाओं की गई है, जिसके बारे में बताएंगे। तो कैबिनेट की तीन कौन सी घोषणाएं हैं और जिसके अनुसार जो आपकी तीन घोषणाएं जिनको मंजूरी मिलने के कंगार पर ये तीन घोषणाएं हुई है, जिसके अनुसार आपको जल्द ही इसका फायदा मिलेगा। जो केंद्रीय कर्मचारी और ईपीएस के पेंशन धारक है उनकी तीन प्रमुख मांगों को अब सरकार जो पास करने वाली है, उनकी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके जो महंगाई भत्ते हैं और ईपीएस के 95 पेंशन धारक है उनकी ईपीएस मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर उनकी जो मांगे उनको सरकार मंजूर करने की कंगार पर है, यानी कि कैबिनेट से उन्हें मंजूरी मिल सकती है। तो कौन कौन सी तीन नई घोषणाएं हैं जिसके अनुसार आपकी जो घोषणाएं जिससे आपको कितना फायदा होने वाला है, साथ में आपकी जो नई नई घोषणाएं हैं कैबिनेट ने की उसके बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप सभी के लिए जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट आ चुकी है। तो आपकी जो ओपीएस ईपीएस पेंशन और महंगाई भत्ते और एरियर को लेकर बहुत बड़े यानी कि घोषणाएं हुई है, जिसके अनुसार आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और साथ में पेंशन के भुगतान को लेकर भी ताजा अपडेट आ रही है और आपका यानी कि फिक्स हो चुका है इस तारीख को आपको ये तीन चार आपकी जो मांगे उनकी घोषणा होने वाली है उनको यानी कि पारित किया जाने वाला है। तो कब आपको इन तीन मांगों को पारित किया जाएगा, जो कर्मचारी वर्ग इसको लेकर काफी यानी कि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी कब करेगी और महंगाई भत्ते को लेकर डीए बढ़ोतरी को लेकर ऐलान कब किया जाएगा और आपका जो 18 माह का एरियर है उनको लेकर ऐलान कब किया जाएगा, जिसको काफी लंबे समय से सरकारी यानी कि इंतजार कर रहे हैं कि उनका फायदा उनको मिले। तो आपको बता दें कि आपकी पेंशन और ओपीएस को लेकर भी अपडेट आ रही है, साथ में आपका महंगाई भत्ता एरियर को लेकर सरकार ने तीन घोषणाएं की है, जिसके अनुसार पहली घोषणा हुई जो कि ईपीएस के पेंशन धारक है उनकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर उनकी पेंशन बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव है पारित होने के कंगार पर है। आपको बता दी जाए कि आपको अब पेंशन मिलेगी 9000 रुपए की मिनिमम, जिसके अनुसार आपको साथ में महंगाई भत्ता भी मिलेगा और आपकी आने जो मांगी है फ्री में मेडिकल की सुविधा की, तो साथ में फ्री में मेडिकल की सुविधा भी आपको दिया जाएगा। यह प्रस्ताव है अब मंजूर होने के कंगार पर है, जिससे यानी कि प्रस्ताव को जैसे ही बहुमत मिलता है तो जिसके बाद आपकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। इस तरह का अनुमान किया जा रहा है कि दशहरा से पहले आपकी पेंशन बढ़ोतरी की जा सकती है। वर्तमान में बता दिया जाए कि अब आपका यह प्रस्ताव है पेंशन बढ़ोतरी का, उसको लेकर चर्चा हो रही है कि आपकी 9000 रुपये की पेंशन आपको मिले। ये प्रस्ताव है अब यानी कि पारित होने वाला है, पारित होने के कंगार पर है, जल्द इसको लेकर घोषणा आने वाली है कि आपकी पेंशन को 9000 रुपये किया जाएगा। और बात करें जो आपकी अन्य जो मांगे हैं जैसा कि साथ में फ्री मेडिकल सुविधा हायर पेंशन को लेकर उनको भी साथ में मंजूर किया जाए, यानी कि ईपीएस की जो चार सूत्रीय मांगे उनको लेकर प्रस्ताव है वो मंजूर किया जाने वाला है। और बात करें आपकी महंगाई भत्ते की यानी कि डीए को लेकर जो कर्मचारी इंतजार में बैठे हैं कि सरकार उनका महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी करेगी, तो महंगाई भत्ते को लेकर वर्तमान में इस तरह की अपडेट आ रही है कि केंद्र सरकार आपको दशहरा से पहले जो आपका महंगाई भत्ता है उसमें भी बढ़ोतरी कर सकती है। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपके महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि आपके महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा भी यानी कि दावा किया जा रहा है कि आपके महंगाई भत्ते में 8% की बढ़ोतरी होगी और 50% किया जाएगा। लेकिन बता दिया जाए कि ये अभी तक यानी कि इसको लेकर सरकार ने कोई ऑफिशियली तौर पर नए आंकड़े जारी किए हैं कि अनुमान के आधार पर आंकड़े बताए जा रहे हैं कि आपको इतना फीसदी आपका महंगाई भत्ता बढ़ेगा। लेकिन आपको बता दें कुछ एक्सपर्ट की माने तो 4% की आपकी जो बढ़ोतरी उसको संभव माना जा रहा है कि आपकी महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि आपको यानी कि इसी अक्टूबर महीने के आखिर तक इसको लेकर घोषणा की जा सकती है या फिर दशहरा से पहले आपकी महंगाई भत्ते की जो यानी कि आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। कैबिनेट की बैठक के अंदर यह भी मुद्दा चर्चा
कावे से बना हुआ है, जिसको लेकर भी चर्चा की जा रही है कि पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी, जो कि आपको बता दे कि आपको कितना महंगाई भत्ता मिलेगा। तो 4% के अनुमान के आधार पर इस तरह का यानी कि दावा किया जा रहा है कि आपको महंगाई भत्ता 46% मिलेगा। बात करें आपको 18 माह का एरियर को लेकर, जो कर्मचारी इनको लेकर भी इंतजार में बैठे कि उनका रुका हुआ एरियर का पैसा है जो कर्मचारी का वो उन्हें मिले, तो उनको लेकर कैबिनेट का जो प्रस्ताव है जिसको अब दशहरे से पहले पहले इन तीन इनकी जो प्रस्ताव है उनको मंजूरी मिलने के कंगार पर है। आपकी यानी कि महंगाई भत्ते की राशि और आपका ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी की राशि और आपका जो 18 माह का एरियर है बकाया, इन तीन मांगों को लेकर वर्तमान में काफ़ी लंबे समय से चर्चा जो चल रही है, जो यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है कि आपको दशहरे से पहले पहले इन तीन मांगों की आपकी जो प्रस्ताव है जब भी ले वो पारित होने वाला है, जिसके अनुसार आप सभी को बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। यानी कि मिनिमम पेंशन धारकों की पेंशन को 9,000 रुपये किया जाएगा। डीए को अनुमान के आधार पर इस तरह का व्यक्त किया जा रहा है कि 3 या 4% की आपकी बढ़ोतरी संभव है और एरियर 18 माह का वो भी इससे दशहरे से पहले पहले जो केंद्रीय कर्मचारी उनके खातों में भुगतान किया जाएगा। तो फिलहाल आपके लिए तीन बड़ी नई घोषणाएं आ चुकी है कैबिनेट के अनुसार, ये आपको फायदे मिलने वाले। सुप्रीम कोर्ट ने लाइव आकर किया बड़ा ऐलान, ईपीएफओ के खाता धारकों को न्यूनतम पेंशन 8,000 से बढ़ाकर 9,000 करने को स्वीकृति दी। साथ ही पेंशन में 3 नए बदलाव भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं और आपको साथ में अन्य महंगाई भत्ते देने को लेकर फैसला सुनाया है। पेंशनर्स की 4 मांगों को मंजूरी मिली, देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर एक बड़े बदलाव किए हैं। क्या हैं ये बदलाव और कैसे मिलेगा इसका आपको फायदा, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएफ के कर्मचारी काफी लंबे समय से अपने ब्याज के पैसे को लेकर यानी कि इंतजार कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने काफी लंबे समय से 8.15% की दर से ब्याज देने की घोषणा कर रखी है, जिसने घोषणा पर अमल जल्दी किया जाएगा। माना जा रहा है कि पीएफ के कर्मचारियों के खाते में जल्दी 8.15% की दर से जो आपका पीएफ ब्याज है वो भेजा जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि यह वित्तीय वर्ष 2022-23 में की गई थी, जिसे देश के वित्त विभाग ने यह घोषणा कर दी थी कि ईपीएफओ के कर्मचारियों के खाते में जल्दी ये अमाउंट है ट्रांसफर की जाएगी। तो उसको लेकर लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि आपको अब कितना पैसा मिलेगा। माना जा रहा है कि 8.15% की दर से ब्याज मिलते ही लगभग यानी कि 6 करोड़ कर्मचारियों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। हालांकि ब्याज की राशि भेजने की आधिकारिक जो अभी तक तिथि नहीं घोषित की गई है, परंतु ऐसा माना जा रहा है कि दिवाली से पहले इस योजना पर अमल किया जाएगा यानी कि इसका फैसला किया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका यानी कि ये ब्याज का पैसा है पीएफ का वो नवंबर तक कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में जारी किया जाएगा। आदेश के अनुसार इस तरह की यानी कि 8.15% की दर से आपको ब्याज उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि ब्याज की स्थिति देखने के लिए, खाता स्टेटस चेक करने के लिए कर्मचारियों को कहीं भी जाने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन भी घर बैठे चेक कर सकते हैं। साथ में बता दें कि आपको 8.10% से 8.15% जो आपका ईपीएफओ रेट जो यानी कि इंटरेस्ट रेट मिलता है पीएफ के ब्याज के तौर पर, उसमें संशोधन किया था, जिसके कर्मचारियों के बेसिक पे का 12% जो पीएफ अकाउंट में भेजा जाता है उतना ही अमाउंट कंपनी के भी द्वारा उनके खाते में जमा किया जाता है। साथ ही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीएफ के अकाउंट होल्डर्स को एक नया तोहफा दिया जा रहा है, जिसमें कि यह निर्धारित किया गया है कि पीएफ का अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज दर 8.10 से बढ़ा करके 8.15%